हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली आज की वीडियो जो है उसके ऊपर है कि व्हाट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ, कि ट्वेल्थ के बाद हम क्या करें। जिन्होंने अपना कोई एम सेट नहीं किया होता, आज उनके लिए ये वीडियो है। शुरू करने से पहले करूँगा आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं जिस कोर्स के बारे में बताऊंगा, शायद आप लोगों में से बहुत कम ही लोग उस कोर्स को जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, और उस कोर्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ओके फ्रेंड, तो मैं बता दूँ, उसका नाम जो है बीएससी एग्रीकल्चर है। जी हाँ दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कोर्स है, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो। आपको बता दें कि अभी सर्वे हुआ है पूरे वर्ल्ड में कि सबसे अच्छा बिजनेस किस में होता है, तो वो जो सर्वे हुआ है उसमें एग्रीकल्चर ही आया है, खेती। और अगर हम इसमें जॉब की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जॉब शायद ही कहीं अवेलेबल होगी। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा है। इसमें दो टाइप की जॉब होती हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो डिसाइड नहीं किए हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है या आप हैं तो एक बार इस कोर्स को ज़रूर देखिएगा, यह बहुत ही अच्छा कोर्स है। क्योंकि नॉर्मली लोग बीए बीएससी करते हैं, लेकिन देखते हैं कि फिर वो बेरोज़गार होकर घर पे ही बैठते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि यह बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसको करिए और आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यह 4 साल का कोर्स होता है, 3 साल इसमें थ्योरेटिकल होता है और 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।